नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस 2024 की वैकेंसीज के बारे में और एग्ज़ाम की डेट के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर, इसका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, क्या ये मार्च में ही हो जाएगा, क्या ये इलेक्शन के बाद होगा, जून या जुलाई में। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, PCSRO के लिए डेडिकेटेड चैनल है। और RO ERO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लाइव क्लास दोस्तों GS की 10:30 बजे रात में डेली चल रही है, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिए। और हिंदी की लाइव क्लासेस शाम को 4 बजे रेगुलरली चल रही हैं, आप लोग उसमें अटेंड करके अपनी तैयारी का स्तर चेक कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे करते हैं, बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। PCS की वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं दोस्तों आपकी बार, तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आपकी बार इलेक्शन ईयर है तो अन्य वर्षों की तुलना में वैकेंसीज आपकी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और लगभग ये मान के चलिए कि 400+ वैकेंसीज बच्चों आपको देखने को मिलेंगी इस बार की तुलना में, 2023 की तुलना में वैकेंसीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और हो सकता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले ये 500 के आसपास भी पहुँच जाए। अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो इसका एग्ज़ाम दोस्तों ये मान के चलिए कि ये हो सकता है, अगर इलेक्शन कब डिक्लेयर होते हैं, कब इलेक्शन होते हैं उस पर निर्भर करता है लोकसभा का। लेकिन अगर इलेक्शन आपके मार्च इलेक्शन आपके अप्रैल मई में होते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका ये हो सकता है एग्ज़ाम आयोग द्वारा मार्च में ले लिया जाए, अन्यथा फिर चुनाव बाद होने की संभावना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपके लिए क्या है, देखिए चाहे चुनाव से पहले हो चाहे चुनाव से बाद हो, आपको एग्ज़ाम तो देना ही है और उसको क्लियर करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, अपनी तैयारी के स्तर को अभी से करना शुरू कर दीजिए। स्टैंडर्ड बुक्स में स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी के NCERTs हैं, और आप लोग साइंस है, बढ़िया से तैयार कर लीजिए। इसके बाद इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र पूर्वावलोकन के लगाने शुरू कर दीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आपका सही होगा दोस्तों उतना ही आप सिलेक्शन की कगार पर रहेंगे, सिलेक्शन के पास रहेंगे। जितना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गलत होते हैं उतना ही सिलेक्शन से एक कैंडिडेट दूर जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डेंजर जोन में जो लोग हैं उनको बता दूं, 80 से 90 वाले जोन में जो लोग रहते हैं क्वेश्चन वाले, 80 से 90 क्वेश्चन, 85 से 95 क्वेश्चन वाले जोन में जो एग्ज़ाम का वेट करते हैं प्री के रिजल्ट का कि मेंस में होगा कि नहीं होगा, उन बच्चों के लिए बता दूं कि आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और मॉक टेस्ट लगाइए। लगातार जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं पूरे, और मॉक टेस्ट कम से कम 30 से 40 पेपर लगाने हैं। तो ये लक्ष्य लेकर चलिए, इस बार प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। RO ERO का प्रीलिम्स भी आपका ये मान के चलिए कि जनवरी में होने की संभावना है, और इसका अगर मार्च में हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, एक ही तैयारी से आपके दोनों एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। करंट अफेयर पर ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और मॉक टेस्ट पर ध्यान दीजिए, यही 3 पिलर्स हैं दोस्तों सफलता के। और चैनल पर जो लाइव क्लासेस चल रही हैं हिंदी की शाम को 4 बजे, RO ERO और PCS की, और GS की क्लासेस जो रात में 10:30 बजे चल रही हैं जिसमें हम लोग PCS और RO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।